एक बात तो यहाँ से कहती कहती चाहूंगी कि उस तो कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को छोड़कर कोई नहीं। और वैसे मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसलिए पता नहीं क्यों बहुत सारा पानी पानी आ रहा है। वैसे मैं रोती वोती नहीं हूँ, चला गया है मेरी आंखों में। मैंने बोला था ना क्या घूम रहा है, तो मुझे कुछ चला गया इस वजह से थोड़ा सा आ रहा है। बाकी हम रोते भी हैं तो लोग हंसते हैं, तो रोना भी नहीं चाहिए किसी के सामने। और रोने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, रोने वाला इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, सब कुछ फील करने के लिए, वो सब कुछ सहन करने के लिए बिल्कुल स्ट्रांग बन चुका होता है। अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ यहाँ फॉलो मत कीजिए, बिकॉज यहाँ मेरा लास्ट लाइव होगा और यहाँ वीडियो कोई पोस्ट नहीं होगा। क्या हुआ? और यहाँ से अपना लाइव ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम लोग इंस्टाग्राम पे, हम लोग फेसबुक पे जरूर लाइव मिलेंगे, आप सभी से बात होगी और उसी तरीके से होगी जैसे होती है। और मैं फिर से कहती हूँ, अगर मेरी तरफ से कुछ भी गलती हुई है, मैंने कुछ गलत कहा है, मैंने कुछ गलत बोला है, या मेरी किसी भी वीडियो से आप लोगों को किसी भी तरह का कोई हार्म हुआ है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। ऐसा तो मेरा कोई वीडियो आएगा नहीं टिकटॉक पे, अगर फिर भी मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, ये मुझे मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर ही हूँ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइव में, और वो नेक्स्ट लाइव होगा या तो अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे। मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ रही हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म को क्वाइट कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में अपन। और मैं फिर से एक बार कहती हूँ, अगर मेरी किसी भी बात का, मेरी किसी भी चीज़ का, मेरी किसी भी हरकत का, मेरी किसी भी वीडियो का अगर आप लोगों को किसी को भी बुरा लगाओ, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, दिल से सॉरी कहती हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और मिलते हैं, बाकी मेरी आदत है कि इंसान को सच कहने की, इंसान के सामने अपनी सच्चाई लाने की, हमेशा मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे साथ इन रियल लाइफ में जो चीज़ हो रही है, जो मैं रियल लाइफ में फील करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे से लोग देखे हैं जो मेरे साथ बैठ कर खाते हैं, और उसी में मैंने ऐसे से लोग देखे हैं इस एज में, मेरी एज मस्ती करने की, मेरी एज घूमने फिरने की, लेकिन इस एज में ऐसे ऐसे लोगों से मिलना, मतलब जिनको इंसान नहीं कहा जा सकता। सो अगर मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट लाइव में अपने बाकी के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ मेरा कोई लाइव नहीं रहेगा, मेरे यहाँ कोई वीडियो नहीं रहेंगे। बाकी अधिकतर वीडियोज़ मैं डिलीट कर चुकी हूँ, जो वीडियोज़ वो मैं डिलीट कर दूँगी। सो प्लीज़ यहाँ मेरी किसी वीडियो का कोई वेट ना कीजिएगा, यहाँ मेरी किसी वीडियो का कोई ऐसा नहीं कि बाकी अब यहाँ किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हमारे वीडियोस का रिप्लाई नहीं देते हो आप, हमारे वीडियोस को नहीं लाइक करते हो आप, बिकॉज मैं यहाँ नहीं रहूँगी अब। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ डेफिनेटली, वहाँ हम लोग मिलेंगे, वहाँ मेरे डेली के पोस्ट होंगे, वहाँ मैं डेली आप लोगों के सामने अपने नए नए वीडियोज़ लेके आऊँगी, जैसे मैं यहाँ वीडियोज़ बनाती थी वैसे ही। और अभी तक के मेरे यहाँ जितने भी वीडियोज़ थे, डेफिनेटली मैं वहाँ भी शेयर करूँगी अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ में, अपने सारे जो मैं जो वीडियो बनाती थी उस वक्त, उस वीडियो में मैं क्या फील करती थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ उस वक्त, वो सारे बिल्कुल वहाँ मैं पोस्ट करूँगी। और आज से ही शुरू कर देती हूँ लाइक, ताकि आप लोगों को भी ऐसा फील नहीं होगी रहता अभी टिकटॉक पे नहीं है। सो टिकटॉक पे मैं नहीं रहूँगी, बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल मैं वहाँ हूँ। और अगर बाकी के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा कुछ इशू क्रिएट होता है, तो बिल्कुल मैं उनको भी क्वाइट कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए मेरा देश और मेरी मोदी जी की कई बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सो मिलता है अपन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, और आई थिंक मुझे लाइव भी बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज मैं बहुत चिल्ला के दौड़े लगा के रोने लग जाऊँगी। मैंने कहा बात ही बहुत, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं पिक्चर देख के, मैं जब कोई सैड मूवी आती है, मैं उस सैड मूवी को देख के रोने लग जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ। और जहाँ चलो छोड़ो ये कुछ मिलता है, मैं एक वीडियो और पोस्ट करूँगी, आप लोग इंस्टाग्राम पर जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप लोग यहाँ मुझे फॉलो मत कीजिए, मैं मना कर रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ यहाँ फॉलो मत कीजिए। अगर यहाँ फॉलोवर्स भी है तो वहाँ से अनफॉलो कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। चलो छोड़ो यहाँ से, अब सब कुछ ख़त्म। आप लोग अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, और
ये कहता मैंने मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे ये स्टेप उठाने पर, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत थी वो मेहनत कोई काम की नहीं जिससे किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो मेहनत कोई काम की नहीं जिससे किसी को नुकसान हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और ऐसे सिचुएशन को जब ये ऐसी चल रही है और ये जो चीज़ जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है ना, आज उसी के प्लेटफॉर्म पे हम लाइव बैठे हैं। सो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, कितनी सारी फैमिलीज सड़कों पे आ गई है, कितनी सारी फैमिलीज मतलब कितनी प्रॉब्लम है ना फैमिली अभी, तो उन सभी के लिए हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा। और आई नो दैट आप सभी मेरे साथ रहेंगे, मुझे पता है। मिलते हैं, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, और इंस्टाग्राम आई मेरे बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, फिर मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट मतलब किसको डिलीट करने वाली हूँ अकाउंट को, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग को इंस्टाग्राम पे जल्दी से आ जाइए, वहाँ पर मिलते हैं, डेली की डेली वीडियो मिलेंगे आपको मेरे, और यहाँ की वीडियोज़ भी सभी मैंने सेव कर लिया है, डोंट वेरी, वहाँ मिलेंगे सभी वीडियोज़ आप लोगों को। ओके, किसी भी मेरी कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं फिर से दिल से सॉरी चाहती हूँ, मेरी किसी भी चीज़ का आप लोगों को हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, और हमेशा हंसते रहिए, और मेरी कही कुछ बातें जो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ऑब्वियसली आप लोगों को तो करेगी, सो खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा हंसते रहिए। तो मैं फिर से एक बार कि सुख नेणो दुख मेटणो, हमारी माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी था।